हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल गुड एंड हेल्दी। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं लीव के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। लीव जो है किसी भी प्लांट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे स्टेम होते हैं, रूट्स होते हैं, वैसे लीव भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लीव के बारे में अगर हम देखें, सो अ लीव इज़ अ लेटरल वर्टिकल पार्ट ऑफ द स्टेम अराइज फ्रॉम द नोड एंड स्पेशलाइज फॉर द फोटोसिंथेसिस। लीव जो है स्टेम का लेटरल वर्टिकल पार्ट होता है जो कि नोड से अराइज होता है। वी वेल नो कि स्टेम में जो है नोड और इंटरनोड्स होते हैं, तो जो लीफ है वो नोड से अराइज होता है एंड स्पेशलाइज फॉर फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो है बहुत ही स्पेशल रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि वी नो कि जो है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो लीफ में ही होता है। लीव्स स्टेम फ्लावर एंड फ्रूट कलेक्टिवली फॉर्म द सूट सिस्टम, ठीक है। लीफ स्टेम फ्लावर फ्रूट ये सब मिलके जो है सूट सिस्टम बनाते हैं। लीव्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉलिएज, ठीक है। कलेक्टिवली हम लीव को फॉलिएज कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉलिएज, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे बियरिंग ऑफ लीव, ठीक है, यानी लीव जो है कहाँ और किस तरीके से लगे होते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। उससे पहले हम पहले देख लेते हैं कि लीव का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं लीव के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले मैंने बताया कि जो लीफ है ना वो स्टेम के नोड पार्ट से लगा होता है, ठीक है। मान लीजिए ये नोड है और ये जो पूरा एरिया इंटरनोड है, तो नोड पार्ट पे जो है लीफ लगा रहता है। जो लीफ का जो सबसे नीचे का जो बेसल पार्ट होता है उसको हम लीफ बेस कहते हैं, ठीक है, लीव बेस कहते हैं। और ये लीव बेस जो है आगे की तरफ ऐसे एक आगे की तरफ गई रहती है, जिसको हम कहते हैं मिड रिब, ठीक है, पत्ती के अंदर गई रहती है, इसको हम कहते हैं मिड रिब, ठीक। लीव बेस पे ही जो है कुछ बर्ड्स टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है या फिर स्टिपल्स भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम एक्सिलरी बर्ड्स कहते हैं, ठीक, एक्सिलरी बर्ड कहते हैं, ठीक। लीव बेस के जो आगे का पार्ट होता है ना, लीव बेस के आगे का पार्ट जो होता है उसको हम पेटियोल कहते हैं, ठीक, पेटियोल कहते हैं। और मिड रिब से अंदर की तरफ जो है बहुत सारी वेंस जैसी संरचना निकली होती है, स्ट्रक्चर निकला होता है, बना होता है, ठीक है, जिसको हम लेटरल वेंस कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं? लेटरल वेंस कहते हैं। लीफ के किनारे जो पेरीफेरी का जो एरिया होता है, ठीक है, उसको हम लेमिना कहते हैं। क्या कहते हैं? लेमिना। तो ये था कुछ, ये था पार्ट्स ऑफ लीफ। अब हम देखेंगे बियरिंग ऑफ लीफ। तो पहला है काउलिन, ठीक है, काउलिन। तो इसमें क्या होता है कि लीव्स बॉर्न बाय द मेन स्टेम, मेन स्टेम से जो है लीफ बॉर्न होता है बिल्कुल मेन स्टेम पे, ठीक है। जैसे आपने साइकस देखा होगा, पाम्स का पेड़ देखा होगा, बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल मेन स्टेम पे जो है बॉर्न करता है। रेमल की हम अगर बात करें, ठीक, तो लीव्स विच आर बॉर्न बाय द लेटरल ब्रांचेज, ठीक है, रेमल एक ऐसा टर्म है जिसमें लीव्स जो होती है ना वो लेटरल ब्रांचेज से जो है निकली होती हैं। एग्जांपल में आप मैंगो का आपने पेड़ देखा होगा, टैमरिंड देखा होगा, ठीक है। तीसरा है रेडिकल। रेडिकल की अगर हम बात करें, सो लीव्स विच अराइजेज फ्रॉम अ रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम से जो लीफ निकली रहती है उसको हम रेडिकल कहते हैं। और इसका एग्जांपल है ओनियन, ठीक है, ओनियन। अब हम बात करेंगे स्टिपल्स की। तो जैसा मैंने बताया कि लीफ बेस पे एक एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसे हम स्टिपल्स भी कहते हैं। सो एन अपेंडिजेस ऑन बोथ द साइड ऑफ बेसल पार्ट ऑफ अ लीफ, स्टिपल्स जो जो कि है बेसल पार्ट पे प्रेजेंट होता है, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है, अब हम देखेंगे स्टिपेल क्या होता है। अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है स्टिप्यूल्स एंड स्टिपेल में। स्टिपेल क्या होता है? स्टिप्यूल्स लाइक अपेंडिजेस होता है एट द बेस ऑफ लीफलेट्स ऑफ अ कंपाउंड लीफ, ठीक है, कंपाउंड लीफ। जैसे कि क्या होता है ना, एक स्ट्रक्चर, मान लीजिए एक लीफ है, ठीक है, एक बड़ी सी लीफ है, जब वो छोटे छोटे लीव्स में डिवाइड हो जाती है तो फॉर्म कर लेती है कंपाउंड लीफ, ठीक है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ठीक। और ये जो स्टिपेल होता है ना, ये इसी लीफलेट्स पे होता है, ठीक। एक बड़ी लीफ जो है लीफलेट्स में डिवाइड हो गई और ये लीफलेट्स के बेस पे जो है स्टिपेल प्रेजेंट होता है, ठीक। अब हम बात करेंगे स्टिपुलेट की बात। स्टिपुलेट का मतलब होता है यदि, इफ स्टिपल्स आर प्रेजेंट विथ लीफ, यदि लीफ के साथ स्टिपल्स प्रेजेंट है तो उसको हम स्टिपुलेट कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है रोज, ठीक। एग्ज स्टिपुलेट, एग्ज स्टिपुलेट क्या होता है? स्टिपुल्स जो होता है ना एबसेंट होता है, यदि लीफ पे स्टिपल्स एबसेंट है तो उसको हम कहेंगे एग्ज स्टिपुलेट। इसका एग्जाम्पल है आइपोमिया, ठीक है, इसमें स्टिपल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो ये था अबाउट लीफ, ठीक है, और भी टर्म्स हम लेके आएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही मुझे कमेंट भी करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू मच, थैंक यू सो मच।